आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास इजी ट्रिक्स हैं जिसके जरिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक एक्सप्लेनेशन मेथड है जिसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक एंटी टेस्ट प्रिपरेशन है जो आपके दो सेकेंड्स में आपने कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे, वो भी हम ट्रिक्स आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर एक फिक्स नहीं होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर आपको जो है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होता है। सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें, सिंपल हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर है इसी के बॉन्ड, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो वन ही होगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड ओ2 की अगर बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा, टू होगा। सेम इसी तरीके अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास जो डिसिमिलर एटम्स आ जाते हैं तो उसके अंदर आपका जो बॉन्ड है कम्प्लीटली नहीं होता है, फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हमारे पास जो फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा जब हमारे पास पॉलीएटॉमिक्स जब आ जाते हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जब हमारे पास पॉली जो एटॉमिक आ जाते हैं, जैसे हमारे पास सपोज करें CO3 आ गया -2 या SO4 -2 आ गया, तो वहाँ पर आपका जो होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन आपके पास आ जाता है, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास जब डायटॉमिक आ जाते हैं तो उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इस फार्मूला के जरिए हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आपको अपने सीक्वेंस हंड्रेड रूल आपको बता होना चाहिए, उसके मुताबिक ही आपको जो इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास फार्मूला है जिससे सेम ही जो आपको प्रिंसिपल के मुताबिक 1s2 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्मा दे देना है, सिग्मा 1s1 एंटीबॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा 2s एंटीबॉडिंग, सिग्मा 2s के बाद यहाँ पर आपके पास अगर जेड ग्रेटर है 14 के तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, सिग्मा 2p जेड का आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा पाई 2px, उसके बाद पाई 2py, उसके बाद एंटीबॉडी पाई px 2px एंटीबॉडी 2py मैं इसका नंबर बस गया सिग्मा एंटीबॉडी 2p z ये इफ z इज ग्रेटर देन 14। अगर आपके पास z लेस देन 20 है तो फिर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास ये फार्मूला सिर्फ चेंजिंग आपका नहीं, ये यहाँ पर चेंजिंग है, ये पहले आना है जब z आपका इक्वल टू 14 हो या लेस देन 14 हो, तो हमारा क्या है यहाँ पर आपका सिर्फ ये पहले आ जाएगा पाई 2px एंड पाई 2py, और जबकि आपका जो सिग्मा 2pz है वो आपका क्या है बैक में होगा, बस इतनी ही चेंजिंग है और कुछ नहीं। अगर आपका क्या है z लेस देन और इक्वल टू 14 है तो सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ले लेते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का 2 है, नाइट्रोजन का हमारे पास जो है 3 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ फार्मूला के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का O2 का, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ये 2 है हमारे पास, तो 8+8 कितने हो जाएंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। अब 16 इलेक्ट्रॉन की आप कॉन्फिगरेशन करें तो इसमें आ जाएगा आपका एस में आ गया 2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने आगे 2 2 4 6 10 10 14 एंड 16
मतलब आपके में 16 इलेक्ट्रॉन फिल। अब आपको देखना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 माइनस एंटीबॉडी के लिए सिग्मा एंटीबॉडी यहां पर है, ये देखो 2 एंड 2 4 2 6 टोटल कितने हो गए 6। देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। यहां पर हमारे पास बचा 4 2 बटा 2, अब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 4 2 का वो क्या होगा 2 है। इसी तरीके से अगर हम सपोज करें CO ले लेते हैं, अब ये तो हम डायरेक्ट ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब फिर यहां पर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर का सही नहीं पता होता है कि कितना जो बॉन्ड किस तरह का या उसका बॉन्ड ऑर्डर किस हिसाब से, तो फिर हम ये फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो यहां पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें 2 4 6 8 10 12 14, इसको हम रिलीज कर देते हैं यहाँ। अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 के 10 हैं, 10 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटीबॉडी यहाँ पे कितने हैं 4 है, क्योंकि ये 2 और 2 4 यहाँ पर ही यहाँ पर फिनिश हो गया, तो यहाँ पर एंटीबॉडी 3 4 हो गया आपके पास। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2 और ये 6, तो आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी है, Li2 है या O2 माइनस है या O2 प्लस है, तो इस तरीके से हम जो इनकी इस फार्मूला के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और ट्रिक्स भी हैं जिसके जरिए हम इजीली जो है 5 सेकंड में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितना है। तो ये उसके लिए समझा देता हूँ ताकि आपको, जब आप एंटिटी प्रिपरेशन के लिए जब हमारे पास एमसीक्यूज हम करते हैं सवाल, तो एमसीक्यूज के दौरान हमारे पास इतनी जो है क्लासिफिकेशन करने की इतना टाइम नहीं होता है, फिर हम वहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो आइए वो कौन सी ट्रिक स्टडी करते हैं उनके बारे में। क्या है करना क्या है, सिर्फ आपको नंबर ही यहाँ पर लिखते नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 तक जो ऑर्डर है आपका अलग सा ऑर्डर होगा। उसके बाद आपको दूसरा जो ऑर्डर है 8 से लेकर 20 तक लिखना है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ले जाए, या थोड़ा इसको ऐसा करें कि ये यहाँ पर इसको यहाँ 1 से लेकर 7 तक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो होगा 1। मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से आपको 0.5 से शुरू करना है, 0.5 1 मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज करें तो फिर क्या हो जाएगा 0.5 डिक्रीज हुआ काम है 0.0 गया, उसके बाद इंक्रीज होगा 0.5 0.1 फिर डिक्रीज होगा 0.5। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, सॉरी यहाँ पर 1.0 ये 7 तक है हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास 8 से लेकर 20 तक का आपका ट्रेंड क्या है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है 0.5, आपको ऐड करते जाना है 0.5 प्लस क्या करना है 0.5 इसमें प्लस करते जाए, 0 में से प्लस हमने 0.5 किया 0.5 है उसमें हमने प्लस किया तो 1.0 और 1.0 के बाद 1.5 2.0 2.5 ये आपका आ गया 3.0 मैक्सिमम ऑर्डर आपका 3 होता है 3.0। अब उसके बाद आपको क्या करना है डिक्रीज करना है, डिक्रीज करें तो यहाँ पर 0.5 आपको यहाँ से क्या करना है माइनस करना है 0.5 माइनस करते जाना है तो 2.5 हो गया, फिर 2.5 में से 0.5 में 2.0, उसके बाद 1.5
1.0, 0.5 और 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड ऑर्डर, नीचे जो ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास, ये हमारा है बॉन्ड ऑर्डर, नीचे जो दिए गए हैं ये है बॉन्ड ऑर्डर, हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो ये ऊपर है ये हमारे लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हमने इस फार्मूला के मुताबिक निकाला था ऑक्सीजन का टू, फार्मूला के मुताबिक ऑक्सीजन का हमने निकाला था बॉन्ड ऑर्डर टू, या CO का निकाला था हमने बॉन्ड ऑर्डर थ्री। अब इसके जरिए हम इजीली फिर कैसे फाइंड आउट करें, अब CO को देखना है कितने 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में देखेंगे, 14 में अगर हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है, हो गया ना, ट्रिक ये यहाँ पर हमारे काम कर रही है। ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 8 और 8 16 में देखेंगे कितना है हमारे पास 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरीके से आप जो है एक ही सेकंड में आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करें हमारे पास आ गया लिथियम Li 2, तो लिथियम की अगर बात करें यहाँ पर लिथियम का अटोम नंबर 3 है, दो हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का क्या है 1.0, यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.0। हाइड्रोजन ले लें H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। सेम इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन ले लें O2 प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें लूज कर लिए, इस 16 के पास से 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर लिए तो कितने हो गए आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 का क्या होगा 3.0, O2 प्लस 2 का कितना होगा 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरीके से जितने भी आपके पास डायटॉमिक जो एटम्स हैं उनके फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला के मुताबिक। यह एक और मेथड है जो ग्राफिकल मेथड है जिसके जरिए भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड कैसे है, ग्राफ के जरिए में भी आपको समझाऊंगा कि ग्राफ के जरिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो वो भी अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे क्या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 0, उसके बाद 0.5, 1.5, 2.5 और मैक्सिमम जो हमारा होता है 3.0। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये 1 तक लेकर जाना है, फिर दूसरा भी सेम इसी तरह 1 तक लेकर जाना है, और जो तीसरा है आपको बिल्कुल पी की तरफ लेकर जाना है ये। और यहाँ पर ये जो आपका ये जो कर्व्स हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो शो करते हैं, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पर 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जैसे हमने निकाला ऑक्सीजन का क्या था 2 था, तो इसके जरिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीजन 2 है, सो 16 है, 16 का अगर हम सामने देखेंगे क्या है 2 ऑर्डर है। सेम CO का देखें तो CO का 14 है, तो 14 के सामने क्या है 3 है। तो इसी तरीके से लिथियम का हमने निकाला था Li2 का 6 है, तो 6 के सामने क्या है 1 है। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन का हमने निकाला था, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के सामने क्या है आपका 1 है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रस्ट सिलेंडर के बॉन्ड ऑर्डर्स का ये होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉली एटॉमिक, जैसे हमारे पास CO3। अब CO3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 20 से ग्रेटर है, तो 20 से ग्रेटर मतलब जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, हम यहाँ पर जो पॉली एटॉमिक्स हैं उसमें हम कैसे जो है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के। फार्मूला थोड़ी चेंज है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉली एटॉमिक जब एटम्स आ जाते हैं उनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो हमारे 1 अपॉन 2 वाले थोड़ी डिफिकल्ट होती है,
यहाँ पर हम जैसे सैंपल मेथड है जिसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी फार्मूला क्या है। सिर्फ बॉन्ड नंबर इज इक्वल टू आपको बताएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको देखना है सपोज करें हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि इसका CO3 का अगर हम ले रहे हैं तो CO3 की बात करें C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसमें माइनस माइनस टू हमारे पास है तो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल ये भी हो सकती है दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल हमारे ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है तीसरी हमारे पास ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स इसकी कितनी है तीन हो सकती है और उसके अलावा ये ना भी कर कोई मसले नहीं आपको करना क्या है एक चुट्टी है कि यहाँ पर जितने भी सराउंडिंग होंगे उतनी ही आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी जितने यहाँ पर सराउंडिंग है यहाँ पर कितने थ्री सराउंडिंग है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कितनी है थ्री होगी लेकिन यहाँ पर बेंजीन में थोड़ी डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर जितने भी है बस मौजूद है उसके बाद जो भी आपके पास जो नंबर होता है यहाँ पर तो उतनी ही आपकी जो स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद हमें काउंट करना है कि रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर देखें कितने एक दो तीन चार इस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड कितने हैं फोर और उसके बाद और स्ट्रक्चर कितनी है रेजोनेटिंग वन टू थ्री फोर अपॉन थ्री फोर वन पॉइंट थ्री 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 सो सी ओ थ्री माइनस टू का आपका जो बॉन्ड हेडर है वो कितना है 1.333 उसके बाद फास्फोरस आपके पास मौजूद है तो एक आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये हमारा आपके पास आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास रेजोनेटिंग बॉन्ड में दो और दो चार और पाँच फाइव डिवाइडेड बाय फोर जितना आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा जो इसका आपका हो जाएगा बॉन्ड आता है। सेम इसी तरीके से आप इस फोर की अगर हम बात करें तो उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी और उसके बाद जो आपकी इसमें कितने जो रेजोनेटिंग बॉन्ड मौजूद हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर सी डबल यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 है मतलब 6 रेजोनेटिंग बॉन्ड है उसको डिवाइड करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी तो आपका जो जवाब आ जाएगा 1.5 तो जो S फोर का जो बॉन्ड आर्डर है 1.4 तो सेम इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेटिंग बॉन्ड जो आपको कितने थ्री रेजोनेटिंग बॉन्ड है तो आप क्या करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या तो ये हो सकती है या फिर हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये हो सकती है मीन्स दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की और टोटल आपकी जो रेजोनेटिंग बॉन्ड है बेटा भी यही होते हैं इसलिए इसमें कितने रेजोनेटिंग बॉन्ड थ्री रेजोनेटिंग बॉन्ड डिवाइडेड बाय आपके पास कितने जो बेंजीन की स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग दो ही हो सकती है इसका भी आपका क्या है 1.5 तो इसी मेथड के जरिए आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जितने भी केमिस्ट्री की वीडियोस हैं वो आप देखना ना भूलें और मिस ना कर सकें।